डियर स्टूडेंट्स, एपिसोड देने के बाद बीच के एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं। कुछ कारण है, जल्दी ही सारे एपिसोड्स आएंगे, क्लासेस वाले भी एपिसोड्स आएंगे, आप लोग वेट करें, जल्द ही ये सब बहुत अच्छे स्तर पे दिखाई देगा। साथ ही आज हम लोग 40 क्वेश्चंस का एक नया प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं चौथे नंबर के एपिसोड पे, जो हम लोगों ने पिछले दिनों लिया था 40 फ्रेश क्वेश्चंस टॉपिक पर बेस्ड। इसमें कट ऑफ की बात करें तो जनरल मेल के लिए 30 जीके जीएस में कट ऑफ होगा 22 का, जबकि 10 करंट अफेयर्स में कट ऑफ होगा 6 का, तो 28 टोटल आपका कट ऑफ है। साथ ही फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 में कट ऑफ होगा 20 का, जबकि 10 करंट अफेयर्स में कट ऑफ होगा 5 का, तो टोटल रिजर्व कैटेगरी के लिए 25 का कट ऑफ है। नया एपिसोड जो पांचवा एपिसोड है, ये हम लोग कल करेंगे 10 से 11 बजे रात के बीच नया एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक्स की बात करें तो आप सबों को याद होगा कि हम लोगों ने बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य लिया था, साथ ही फिजिक्स में सरल आवर्त गति SHM लिया था और बायोलॉजी में प्लांट किंगडम था, जबकि बिहार में 4 टॉपिक था, बिहार का संक्षिप्त परिचय, एक पर्सनैलिटी श्री कृष्ण सिंह, साथ ही हम लोगों ने एक ज़िला लिया हुआ है और करेंट अफेयर्स 20 से 24 जून का करेंट अफेयर्स बिहार का था, जबकि नेशनल करंट हम लोगों ने लिया है जनवरी हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो 15 से 19 जनवरी के बीच नेशनल करंट अफेयर्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक विविध का टॉपिक हम लोगों ने लिया है जिसमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे विशाल, ये विविध का टॉपिक है, जबकि 2011 की जनगणना में क्षेत्रफल एरिया हम लोग का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, स्पेक्ट्रम का भी कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाई देगा। चलिए बनाते हैं इस फ्रेश टेस्ट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सियारुल मुतखरीन, जो प्लासी के युद्ध का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद हुसैन तबाताई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में सही मेल आपको करके बताना है कि सही सही मैच्ड कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, जबकि सलबाई 1782, मैंगलोर 1784 और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मद्रास और मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, 24 मार्च 1937 को श्री कृष्ण सिंह को बिहार की पहली पार्टी बेस्ड सरकार बनाने का न्योता किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गवर्नर M.G. हैलट ने। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार एरिया वाइज क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवहर, जबकि सबसे बड़ा ज़िला पश्चिम चंपारण है, वेस्ट चंपारण एरिया में। पांचवा प्रश्न, SHM यानी सरल आवर्त गति करता हुआ एक पिंड ऑब्जेक्ट जब अपनी मीन पोजीशन से गुजरता है माध्य स्थिति से, तब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसका एक्सेलरेशन वहां पर शून्य होता है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, जबकि नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में 18th century में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले एक्सपोर्ट निर्यात का 60% सामान निर्यात कहां से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल से, जो भारत का तब सबसे समृद्ध राज्य था। सातवां क्वेश्चन, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। ढके हुए बीजों का एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा समूह है। आठवां क्वेश्चन, 1740 में गिरिया के युद्ध में कौन विजित होकर बंगाल का नवाब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का चौथा नवाब बना, जिसने बंगाल के तीसरे नवाब सरफराज खां को पराजित किया था।
नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पांचवां ऑप्शन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। डेल्टा एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक लेटर है, जो ट्रायंगुलर शेप का होता है। जब हिमालय की नदियां, सदावाहिनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो गिरने से पहले उनकी धारा कमज़ोर हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, जो एक प्रकार का डेल्टा का आकार बनाती है। इसलिए ऐसी नदियों को डेल्टा बनाने वाली नदियां कहते हैं। दसवां क्वेश्चन, 20 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था, तब अंग्रेज भागकर कहां चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फुलटा आइलैंड पे, फुलटा द्वीप पे। 11वां क्वेश्चन, दलदली क्षेत्रों यानी मार्शी लैंड में उगने वाला वह पौधा जो अत्यधिक मात्रा में पानी सोखने की क्षमता रखता है, ये कौन सा प्लांट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्फैग्नम, जो अपने भार से लगभग 15 से 20 गुना अधिक पानी को सोखने की क्षमता रखता है। 12वां क्वेश्चन, 20 जून 1757 की काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, इसका मुख्य गवाह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेड हॉलवेल। 20 जून 1757 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और उसे हस्तगत करके एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को, जिनमें अधिकतर अंग्रेजी थे, बंद कर दिया। लेकिन जब अगले दिन गर्मी और उमस में दरवाजे को खोला गया तो मात्र 23 लोग बचे थे। उनमें से एक हॉलवेल था, जिसने बाद में इसकी चर्चा सभी जगह की और तब यह ब्लैक होल ट्रेजेडी का पता चला। 13वां प्रश्न, गया जिले से लगने वाले पड़ोसी जिलों की पहचान करके आपको बताना है, कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गया जिला 5 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में गया जिला लिया था। 14वां क्वेश्चन, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री ट्रैवलर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राउल फिच, जो 85 के आसपास बिहार आया था। 15वां क्वेश्चन, 1939 में श्री कृष्ण सिंह की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत का विश्व युद्ध में शामिल होना। भारत का मतलब है ब्रिटिश सरकार, तब सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिना भारतीयों से इजाज़त लिए हुए भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में शामिल कर चुकी थी। ऐसे में तब की सरकारों ने इसका विरोध किया और अधिकतर सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 16वां क्वेश्चन, परवर्ती मुगल शासकों ने गलत प्रवृत्ति इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया था। औरंगजेब के बाद के परवर्ती मुगल शासक, ये इजारा प्रथा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठेके पर भू राजस्व वसूली का अधिकार। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, किस स्थान पर वोडेयार वंश के शासकों ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैसूर, जो वोडेयार वंश के शासन के अधीन था। हैदर अली और टीपू ने इसी वोडेयार वंश के शासकों को विजित करके ही अपना राज्य स्थापित किया था। 18वां क्वेश्चन, वह पहले वैज्ञानिक जिन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स सामने आया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थियोफ्रेस्टस, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। 19वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का गया जिला किस क्षेत्र में अव्वल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एससी पॉपुलेशन में बिहार में सर्वाधिक गया जिला आता है, जो टॉप पोजीशन रखता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, आपको बताना कि यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है। जहाज निर्माण के क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जनता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक, जो अनाम है, गुमनाम है, उनका यह स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने भारतीय कला कौशल और उनकी उत्पादकता सार्थकता को बयान करते हुए यह स्टेटमेंट दिया है।
देखिए इसमें क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फंगस यानी कवक। पेनिसिलियम नाम के फंगस से पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक तैयार हुआ था। 22वां क्वेश्चन, लैमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया ये शैवाल अलगी हैं, ये किसके निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, आधुनिक समय की पेंसिलों में, मॉडर्न पेंसिल्स में प्रयुक्त कार्बन बेस्ड पदार्थ कौन सा होता है? इसका आंसर 24वां क्वेश्चन, पश्चिमी नील विषाणु वेस्ट नाइल वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मच्छर यानी मॉस्क्यूटो से। 1999 के दशक में अमेरिका में यह बड़ी संख्या में फैला, हालांकि ये सबसे पहले युगांडा में 1937 में पश्चिमी नाइल डिस्ट्रिक्ट में फैला था, इसलिए इसे वेस्ट नाइल विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य स्टेट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में राजस्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। 26वां क्वेश्चन, बारिश के लिए इंद्र भगवान से प्रार्थना के लिए बिहार का कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झिझिया नृत्य। 27वां क्वेश्चन, एक पत्थर एक तार से बंधा हुआ है, लटका हुआ है, लगातार घुमाया जा रहा है, अगर तार अचानक टूटता है तो पत्थर कहां गिरेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की दिशा में। 28वां क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्मा स्टेला इजाबेल, जो 1975 में अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी और तब विश्व की पहली राष्ट्रपति थी। 29वां क्वेश्चन, किसने कहा था याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा, डेस्पोट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीटर महान ने कहा था, जो रूस के एक प्रसिद्ध राजा थे, जार शासक, जो 17वीं शताब्दी के अंत में शासन कर रहे थे रूस पर। 30वां और अंतिम क्वेश्चन GKGS का, पॉलिनेशन के समय पीले बादल यानी सल्फर शावर की घटना किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर, पॉलिनेशन के लिए अपने कोणी फेरस पत्तियों से एक विशेष प्रकार के पराग कणों को इतनी बड़ी मात्रा में छोड़ता है कि ऐसा लगता है कि पीले बादलों का समूह इकट्ठा हो गया, क्योंकि सल्फर का कलर पीला होता है। अब आपको 10 नए क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के दिखाई देंगे, 31 से लेकर 40 के बीच। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स का ये 10 टॉप के क्वेश्चंस। 31वां क्वेश्चन, अमेरिका में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO ने भारत की किस संरचना को विश्व का 8वां अजूबा 8th Wonder ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप जानते हैं कि SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 33वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 को घोषित ICC अवार्ड 2019 के तहत किसे वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा। इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसे आपको जानना चाहिए। 34वां क्वेश्चन, 12 वर्ष 7 माह के वह शतरंज खिलाड़ी जो देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर घोषित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई के डी गुकेश। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन,
20 जून 2020 को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ इनॉग्रेशन कहां हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खगड़िया जिले में। खगड़िया जिले के बिल्दौर ब्लॉक के तेलीहर गांव में इसका शुभारंभ हुआ है। ये 50,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कोरोना के प्रभाव के कारण गांव की ओर लौटे ऐसे कामगारों को रोजगार दिया जाएगा जिनका रोजगार छिन गया है। भारत के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में ये योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुंबई में, इंडियन सिनेमा का म्यूजियम मुंबई में उद्घाटित हुआ है। 35वां क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन की एक रैंकिंग आई है, ये इमर्जिंग उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। वैसे देश जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिनहुआ यूनिवर्सिटी चाइना, भारत में टॉप पोजीशन दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को, बेंगलुरु को, IISc को। 38वां क्वेश्चन, हाल ही में सरस्वती सम्मान घोषित हुआ है, किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वासुदेव मोही को। सिंधी लेखक हैं वासुदेव मोही, जिनकी रचना कहानी संग्रह चेक बुक को यह अवार्ड दिया गया है। 39वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है 2020 के लिए, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत को 84वां स्थान मिला है, जबकि टॉप पोजिशन पे जापान है। नेक्स्ट 40वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में 7 निश्चय योजना पर रैंकिंग जारी हुई, इसमें बिहार का कौन सा जिला टॉप पोजीशन पर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा जिला, जबकि दूसरे पोजीशन पे कैमूर जिला है। तो ये था आज 40 शानदार प्रश्नों का एक सुपर प्रैक्टिस सेट, जिसमें कट ऑफ पहले से ही तय थे। उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक्स किए होंगे और अच्छे स्कोर्स भी किए होंगे। टेक केयर।